वही अधम राजा था जिसने अपने परम दुष्ट मंत्री की प्रेरणा से प्रेरित होकर आपका महान अपराध किया था। उस अपराध का दंड मेरे द्वारा उसको दे दिया गया है। हे मुनियों में परम श्रेष्ठ, मैंने बलपूर्वक उसको दंडित किया है। मैंने जिस रीति से अब तक जो कुछ भी किया है उसका पूर्ण विवरण क्रमानुसार मैं आपकी सन्निधि में निवेदित करता हूँ। मैंने आपको नमस्कार करके सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के समीप में गमन किया था, क्योंकि समस्त सृष्टि ब्रह्मा जी के ही द्वारा बनाई हुई है। अतः उनको उसके निपातन से कुछ बुरा प्रतीत न हो उनकी आज्ञा प्राप्त करना न्यायोचित एवं आवश्यक था। मैंने वहां जाकर उनको विधि के साथ प्रणिपात किया था और अपना संकल्पित कार्य उनसे निवेदित कर दिया था। ब्रह्मा जी ने आरंभ से लेकर संपूर्ण वृत्तांत सुना था और मुझसे कहा था, समस्त क्षत्रियगण भगवान शिव के परम भक्त हैं, अतः अपने कार्य की सिद्धि के लिए सनातन शिवलोक में जाना चाहिए। हे तात, पितामह के इस वचन का श्रवण करके ब्रह्मा जी को नमस्कार करके भगवान शिव के दर्शन की आकांक्षा से फिर मैं शिव जी के लोक में गया था। हे भगवान, यहाँ पर शिव लोक में प्रवेश करके उमा देवी के सहित भगवान शिव को नमस्कार किया था। भगवान शिव तो ऐसे देव हैं जो सबके लिए वांछित अर्थ का प्रदान कर दिया करते हैं। उन प्रभु के सामने मैंने अपना पूरा वृत्तांत आवेदित कर दिया था, जो भी उनकी सेवा में निवेदित किया था उस सबको उन्होंने परम समाहित बुद्धि से उस सबका श्रवण भी किया था। उस संपूर्ण वृत्तांत का श्रवण करके उन्होंने एक क्षण तक विचार किया था और फिर परमाधिक कृपा से समन्वित होकर समस्त सिद्धियों के देने वाले त्रैलोक्य विजय नाम वाला कवच मुझे उन्होंने प्रदान किया था। उस कवच की सिद्धि पुष्कर तीर्थ में बतलाई थी, अतएव मैंने उसको प्राप्त कर भगवान शंकर को प्रणाम किया और मैं फिर उसकी सिद्धि के लिए पुष्कर में समागत हो गया था। वहां पर मैंने उस कवच की सिद्धि प्राप्त कर ली थी और उसे साधित करके मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई थी। फिर संग्राम भूमि में कार्तवीर्य का निपातन करके मैं पुनः शिवलोक में गया था कि अपने विजय का संवाद प्रभु को सुना दूं। वहां पर मैंने द्वार पर स्कंद और विनायक को समवस्थित देखा। हे धर्म के ज्ञान वाले भगवान, मैंने उन दोनों की सेवा में प्रणाम किया और मैं अंदर प्रवेश करने के लिए समयुद्धत हो गया था। उस समय मैं बड़ी शीघ्रता से युक्त होकर अंदर प्रविष्ट होने वाले मुझको देखकर गणेश जी ने रोक दिया था। उन्होंने मुझसे यही कहे मुझको अंदर प्रवेश करने से सहसा रोका था कि आज अंदर गमन करने का अवसर नहीं है। हे पिताजी, उस समय में मेरा उन गणेश जी के साथ पहले तो वाग्युद्ध अर्थात अच्छी तरह से कहा सुनी हुई थी और फिर हाथों का कर्षण अर्थात मेरा हाथ पकड़कर खींचा तानी हुई थी। उस समय में गणेश जी ने यह देखा कि भृगुनंदन अपने परशु का प्रहार करने वाला हो रहा था। उन्होंने यह जानकर मुझको पकड़ लिया था और ऊपर उठाकर नीचे की ओर कर दिया था। गणेश जी ने अपने हाथ से उठाकर अच्छी तरह से ऊपर के अनेक लोकों में घुमाया था और फिर नीचे के लोकों में घुमाकर वहीं पर मुझे लाकर रख दिया था। फिर मुझको बड़ा भारी क्रोध आ गया था और मैंने अपना कुठार उनके ऊपर प्रक्षिप्त कर दिया था। उस प्रहार से गणेश जी का एक बायां दांत टूटकर भूमि पर गिर गया था। उसी समय में महादेव जी वहां पर आ गए थे। उस समय में पार्वती जी ने अपने पुत्र के दांत के टूट जाने की दुर्घटना देखी तो वे बहुत रुष्ट हो गई थी। उसी समय में भगवान श्री कृष्ण भी आ गए थे। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी को साथ में लेकर ही पधारे थे। उनके द्वारा पार्वती जी का अनुभव किया था और पार्वती जगत जननी ने मुझे वरदान प्रदान किया था और भगवान कृष्ण ने हम दोनों की मित्रता कराकर प्रणाम किया था और वहां से वे चले गए थे। इसके अनंतर देवेश्वर पार्वती और परमेश्वर दोनों को सादर प्रणिपात करके मैं अकृत व्रण के ही साथ में उनके समीप में उपस्थित हो गया था। वशिष्ठ जी ने कहा, हे भूपते, इतना ही संपूर्ण अपना वृत्तांत कहकर फिर परशुराम चुप हो गए थे। इसके अनंतर महामुनि जमदग्नि ने उन शत्रुओं के विनाश कर देने वाले राम से बोले। जमदग्नि ने कहा, हे राम, आप तो अब समस्त क्षत्रियों की हत्या से अभिभूत हो गए हैं अर्थात क्षत्रियों के वध की हत्या आपके ऊपर छाई हुई है। अतएव अब आप उसकी हुई हत्या के निवारण के लिए यथाविधि प्रायश्चित करने के योग्य हैं अर्थात उसके शोधन के वास्ते शास्त्रोक्त प्रायश्चित करना ही चाहिए। इस तरह से कथन करने वाले अपने पिताजी से मतिमानों में श्रेष्ठ राम ने यह प्रार्थना की थी कि उस विशाल वध के शोधन के योग्य जो भी कोई प्रायश्चित हो
उसको आप ही मुझे निर्देश करने के लिए परम योग्य हैं। महामुनींद्र जमदग्नि जी ने कहा, बहुत से व्रतों और नियमों के द्वारा अपने शरीर का कर्षण करते हुए केवल वन्य शाकों और मूलों का आहार करने वाले होकर 12 वर्षों तक निरंतर तपश्चर्या का समाचरण करो। जब इस प्रकार से आत्मशोधन के लिए पिताश्री के द्वारा कहा गया था तो परशुराम जी ने अपने माता पिता के चरणों में परणिपात किया और अकृत व्रण को अपने साथ में लेकर हे राजन वह तपस्या करने के लिए वहां से चले गए थे। वे परशुराम जिन्होंने अपने समस्त शत्रुओं का विनाश करके पूर्णतया कर्षण कार दिया था वे अब अपने देह की शुद्धि के लिए कर्षण करने के वास्ते महेंद्र नामक पर्वत पर गए थे। उस गिरी पर अपना एक आश्रम बनाकर उन्होंने वहां पर परम दुष्चर तप किया था। वहां पर राम ने अनेक व्रत तप नियम और देवता के समाराधन के द्वारा उस आश्रम में महान मन वाले भार्गव ने कुछ वर्ष व्यतीत कर दिए थे, अर्थात ऐसे ही अनेक साधनों को करके बहुत से वर्ष बिता दिए थे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसके उपरांत यह हुआ था कि किसी समय में शूरसेन आदि के साथ चतुरंगनी सेना लेकर उसी वन में मृग्या के लिए गया था जिसमें पैदल अश्व हाथी और रथ ये सभी चारों साधन होते हैं, वही चतुरंगिनी सेना कही जाती है। उन्होंने उस महान विशाल अरण्य में प्रवेश करके बहुत से मृगों का हनन किया था। जब मध्याह्न काल हो गया तो वे सब पिपासा बेचैन होकर नर्मदा नदी की ओर पहुंच गए थे। वहां पर उन्होंने जलपान किया और स्नान किया था और अपने श्रम को दूर किया था। जब वहां से वे जा रहे थे तो भृगुवर जमदग्नि मुनि का आश्रम उन्होंने देखा था। वह आश्रम का स्थान बहुत ही सुरम्य था। उसका अवलोकन करके उन्होंने मार्ग में आगमन करते हुए मुनिगणों से पूछा था कि यह किसका ऐसा परम सुंदर आश्रम है। उस समय में होनहार ऐसा ही था और भविष्य में होने वाले कर्मों से वे प्रेरित हो गए थे। उन मुनिगणों ने उस नृप से कहा था कि इस आश्रम में अत्यंत ही प्रशांत आत्मा वाले और महान तपस्वी जमदग्नि मुनि निवास किया करते हैं, जिनके पुत्र शस्त्रधारियों में परम श्रेष्ठ परशुराम है। यह श्रवण करके परशुराम जी के नाम के अनुकीर्तन से पहले तो सुनने के साथ ही उनके हृदय में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया था, किंतु फिर क्रोध को सहन करके उनको परशुराम की बड़ी भारी क्रूरता के साथ किए हुए पूर्व वैर का अनुस्मरण हो गया था। इसके अनंतर उन्होंने एक दूसरे से आपस में कहा था कि इन्होंने तो हमारे पिता का वध किया था, तो ऐसे पिता के हनन करने वाले के पिता का अब इस समय में वध करके हम सब इस रीति से अपने वैर का बदला अवश्य निकालेंगे। इतना कहकर वे सब करों में खड़ग लेकर उस आश्रम के अंदर प्रविष्ट हो गए थे और सभी ओर से गमनागमन करने वाले मुनियों का हनन किया था। फिर उन्होंने जमदग्नि मुनि का हनन कर दिया था और दया से रहित निषादों के ही समान उस जमदग्नि का मस्तक काट कर हरण कर लिया था। वे महान दुष्ट आत्मा वाले अपनी सेना के सहित अपनी नगरी की ओर चले गए थे। हे महाराज, उस महामुनि जमदग्नि के जो अन्य पुत्र थे वे परम साधु प्रकृति से सुसंपन्न महान आत्मा वाले तापस ही थे। जब उन्होंने देखा कि उनके पिता का बड़ी निर्दयता से हनन कर दिया गया है तो उस मृत पिता के शव के चारों ओर बैठकर महान शोक से उत्पीड़ित होते हुए रुदन करने लग गए थे। अपने प्राणनाथ स्वामी को निहत और भूमि पर पड़े हुए देखकर मुनि पत्नी रेणुका देवी तुरंत ही भूमि पर पछाड़ खाकर वज्राघात से गिरी हुई कोमल लता के ही समान मूर्छित होकर गिर गई थी। उसके मन में मूर्छा आ गई थी और उसको अपने देह का अनुसंधान नहीं रहा था। वह शोक की अग्नि से दीपित हो गई थी। वह बहुत अधिक संज्ञा से हीन के समान ही होकर तुरंत ही अपने प्रिय प्राणों से वियुक्त हो गई थी, अर्थात उसके प्राण पखेरु तुरंत ही उड़ गए थे। जब उसके पुत्रों ने देखा कि वह कुछ भी नहीं बोल रही है तो फिर उनको होश आया था और अपनी माता का मृत शरीर देखकर वे सभी शोक के अघात सागर में निमग्न होते हुए मूर्छित होकर भूमि में पछाड़ खाकर गिर गए थे। जब ऐसा शोक से वहां बड़ा हाहाकार मच गया तो जो अन्य तप के ही धन वाले तपस्वी गण थे जो कि उसी तपोवन में निवास करने वाले थे, हे मुने, उन सबको भी उन मुनि पति पत्नियों के वियोग से समान ही दुख हो रहा था और वे सब वहीं पर इकट्ठे हो गए थे तथा रेणुका के पुत्रों को समाश्वासन दिया था। समस्त समागत मुनिगणों के द्वारा अब अच्छी तरह से उन पुत्रों को सांत्वना दी गई थी। तो जमदग्नि के उन मुनियों के कहने से अपने माता पिता के शवों का कर्म कांड के अनुसार
अग्नि में दाह कर दिया था। अंत्येष्टि के अनंतर फिर जो भी करने के योग्य उद्धर्व क्रियाकलाप था उस सबको भी पूर्णतया संपन्न किया था। वे सभी जमदग्नि के आत्मज अपने दोनों ही माता पिता के मरण के असहाय दुख से रात दिन पीड़ित होते हुए रहा करते थे। इसके अनंतर कुछ काल के व्यतीत हो जाने पर जबकि 12 वर्षों की अवधि पूर्ण हो गई थी तो अपनी तपश्चर्या से निवृत्त होकर राम अकृत व्रण के साथ अपने पिता श्री के पास में आए थे। श्री महामुनिन्द्र वशिष्ठ जी ने कहा, परशुराम ने मार्ग में गमन करते हुए मुनि मंडल से आराम से सब तत्व सुन लिया था, अर्थात वहां पर किस तरह से सब घटनाएं हुई थी यह श्रवण कर लिया था। उनको यह भी ज्ञात हो गया था कि उन महान दुष्ट राजपुत्रों ने यह कुचेष्टाएं की थी और उनके द्वारा पिता की मृत्यु तथा शोक में माता का देहांत हो गया है। अपने पिताजी के जीवन का हरण और उनके सिर को काटकर ले जाने का समाचार जानकर उनको यह भी ज्ञात हो गया था कि उनकी माता श्री का मरण पिताजी की मृत्यु हो जाने से ही शोकोद्रेकवश हो गई थी। वे महाबाहु को बड़ा भारी शोक और असहाय दुख हुआ था। इससे वे राम बहुत अधिक विलाप करने लग गए थे। यद्यपि अकृत व्रण को भी परशुराम के ही समान दुख हुआ था किंतु फिर भी उसने राम को बहुत कुछ समाश्वासन दिया था। वीर्य की सामर्थ्य के सूचक शास्त्रों में निर्दिष्ट किए गए हेतुओं के द्वारा और युक्तियों से तथा लोक में होने वाले अनेक दृष्टांतों के द्वारा परशुराम जी के उस महान शोक को अकृत व्रण ने शमित कर दिया था। उस अकृत व्रण के द्वारा सांत्वना दिए गए परशुराम ने धैर्य का अवलंबन लिया था क्योंकि वह बहुत अधिक मेधावी थे। इसके अनंतर परशुराम जी अपने सखा अकृत व्रण के साथ अपने भाइयों के देखने की इच्छा से अपने गृह की ओर चल दिए थे। वहां पर भार्गव ने जाकर अभिवादन किया था और इन सबको परम दुखित देखकर परशुराम जी को भी अत्यधिक दुख हुआ था। उन सबके साथ में पुनः उस शोक का नवीनीकरण हो गया था और परम शोक में मग्न होकर वे वहां 3 दिन तक स्थित रहे थे। इसके अनंतर अपने पिताश्री के निधन का स्मरण करते हुए उनको महान क्रोध उत्पन्न हो गया था और तुरंत ही वे संपूर्ण लोक के संहार कर देने में समर्थ हो गए थे। माता रेणुका ने अपने पति के वियोग में विलाप करते हुए 21 बार अपने वक्षस्थल को पीटा था। अतः परशुराम जी ने उसी समय में यह प्रतिज्ञा की थी कि मेरे पिता को क्षत्रिय जातीय नृप ने निहत किया है, इसलिए मैं भी 21 बार भूमंडल का संहार करके क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। माता के लिए की हुई इस प्रतिज्ञा को सत्यवादी दिया था। समस्त क्षत्रियों के वध करने के लिए समयुद्धत होकर हृदय में सुदृढ़ कर भार्गवेंद्र ने ऐसा निश्चय कर लिया था कि क्षत्रियों के वंश में समुत्पन्न सबका निहनन करके उनके शरीरों के रुधिर से मैं अपने माता पिता का तर्पण करूंगा। अपने समस्त भाइयों से यह अपना समीहित सत्य संकल्प कहकर अपने पिताजी की संस्थित क्रिया को पूर्ण करके भाइयों की आज्ञा प्राप्त कर परशुराम चले गए थे। फिर अकृत व्रण को साथ में लेकर माहिष्मती नगरी में स्थित होकर उन्होंने महोदर का स्मरण किया था। उन्होंने तुरंत ही राम के लिए रथ चाप आदि सभी आयुधों तथा अश्वों आदि को भेज दिया था। फिर परशुराम प्रभु भी उस रथ पर समारूढ़ होकर सन्निध हो गए थे और शत्रुओं पर विजय पाने वाले ने शर के सहित धनुष का ग्रहण कर लिया था तथा भगवान रुद्र के द्वारा प्रदत्त शंख की ध्वनि करके उससे संपूर्ण भाग को पूरित कर दिया था। अपने धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से अंतरिक्ष और भूमंडल को प्रकंपित करते हुए बड़ा ही उच्च घोष किया था। सारथियों में परम श्रेष्ठ सहसाह ने उनके रथ का सारथी होने का कार्य ग्रहण किया था। अपने माता और पिता दोनों के वध हो जाने से परशुराम जी को बड़ा भारी क्रोध हो गया था। जब परम क्रुद्ध भार्गव के रथ प्रत्यंचा और शंख के नाद हुए तो इनसे उस नृप की समस्त नगरी और नर तथा द्वीप सभी अत्यंत संक्षुब्ध हो गए थे। उन नृप के पुत्रों ने जब यह समझ लिया था कि सब क्षत्रियों के कुलों का अंत कर देने वाले परशुराम समागत हो गए हैं तो वे बहुत ही क्षुब्ध हुए थे और फिर उन्होंने राम के साथ संग्राम करने के लिए उद्योग किया था। इसके अनंतर हे नृप, पंचरथ शूरसेन प्रभृति शूरों ने अनेक अन्य राजाओं के साथ परशुराम जी से युद्ध करने के लिए उद्यम किया था। इसके उपरांत वे श्रेष्ठ क्षत्रिय अपनी चतुरंगनी सेनाओं से समन्वित हुए थे और सब राम के पास प्राप्त हो गए थे। जिस तरह पावक पर गिरने वाले पतंगों को अग्नि भस्मसात करके निवारित कर दिया करता है,
उसी भांति भार्गवेंद्र ने अपने एक ही रथ के द्वारा उस पर संस्थित होकर अपने ऊपर चारों ओर से आक्रमण करके आपतन करने वालों को निवारित कर दिया था। अपरिमित बल विक्रम से सुसंपन्न राम ने समरांगन में उन सभी नृपों के साथ घोर युद्ध किया था। इसके अनंतर फिर भार्गव का युद्ध राजाओं के साथ हुआ था और उस उदार बुद्धि वाले परशुराम ने उन 100 राजाओं का वध कर दिया था। फिर शूरसेन आदि नृपों का सेना और वाहनों के सहित हनन करके एक ही क्षण में उस पूर्ण क्षत्रियों के मंडल को भूमि पर गिरा दिया था।